हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज से आपके लिए एक करंट अफेयर्स, जी हाँ, डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे। और इसको लेकर के शुरुआत, इससे पहले मैं क्लास की करूं, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग कम से कम एक पेन और एक पेज, एक को बुकलेट, क्योंकि ये बुकलेट तैयार कर लीजिए। आपको बुकलेट से तैयारी पूरी होगी और आपको कंटेंट इसी में मिलने जा रहा है। तो बस कुछ देर रुकिए, मैं शुरुआत सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूँ। शुरुआत उससे करूंगा जहां पर आपको अन अकेडमी के कोर्स के बारे में बताएंगे कुछ। उसके बाद 2 मिनट बाद हम आपको क्लासेस की तरफ लिए चलेंगे। तो आप पहले क्लास स्टार्ट से पहले देखें, आप सबसे पहले आप एक बुक ले लें और एक पेन ले लें, उसके बाद आराम से बैठ जाएं। और अब शुरुआत करते हैं पहले एक इस, आपको यूपीएससी के लिए बहुत सारे लोग बुक्स के बारे में बात करते थे, तो बुक्स आपको दिखाते हैं। ये देखिए आपके सामने, ये अन अकेडमी का स्पेशल प्राइस वीक है। जिन लोगों को बुक्स के बारे में हर बार वो कहते थे कि बुक्स चाहिए, चीज़ें चाहिए, तो उनको ऑनलाइन चीज़ें सब कुछ यहाँ पे मिल रही है। स्पेशल प्राइस वीक है, यूपीएससी सीएससी फर्स्ट टाइम एवर स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ। और 13 सितंबर से 17 सितंबर का एडिशनल डिस्काउंट जो है, प्लस एजुकेटर कोड पर 10-20% का डिस्काउंट मिल रहा है इस पर। अब इसके अलावा आपको लास्ट मंथ से इस महीने प्राइस बढ़ने वाला है, इसलिए ये प्राइस आज के टाइम पे, इसकी डिटेल पूरी आपको कंप्लीट नीचे मिल जाएगी। और इसकी जो क्लासेज हैं स्टार्ट 15 सितंबर से स्टार्ट हो रही है, और एक साल का ये पर यूपीएससी सीएससी के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस कवरेज होगा। प्रीलिम्स कम मेंस लाइव क्लासेज और एजुकेटर द्वारा अच्छी होंगे, प्रीलिम्स और मेंस टेस्ट सीरीज यहाँ पर मिलेगी। तो इसको जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसा देख लीजिए, आपको डिटेल्स पूरी मिल जाएंगी। एक एक करके जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ स्लाइड्स, इसको रोक करके आप इसको देख सकते हैं, पूरी डिटेल्स में है। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी कि आखिर इसके बारे में सारी चीज़ें आपको वो मिलेंगी। और दूसरी चीज़ बायलैंग्वल है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, दोनों बायलैंग्वल एंड इंग्लिश है। तो आप आराम से, आपको हिंदी के छात्रों को भी आसानी से आप लोग कर सकेंगे। ये टॉप एजुकेटर हैं जिनको द्वारा पढ़ाए जाएंगे, टीचर्स हैं जो, और तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला अगर आप लोग बुक के लिहाज से आप लोग ये कर रहे हैं। और टेस्ट सीरीज आपको चाहिए होगा, तो अब साफ आपके सामने एक चीज़ यहाँ पर दिख रही है। आप रुक रुक करके धीरे धीरे चीज़ों को आराम से आप इसको कर सकते हैं। तो ये आपके लिए जो लोग चाहते हैं, अन अकेडमी पी एस सी मेगा कॉम्बो भी है ये हम हर बार कहते हैं। स्कॉलरशिप इसमें पूल स्कॉलरशिप है 10 करोड़ रुपये तक की, डिस्काउंट जितना मिल रहा था 19 सितंबर का है। इसमें आपका हमारा अगर यूनाइटेड अगर कोर्ट की बात करें तो उसमें आप ओनली यूपीएससी 10 आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए अब हम आपको लिए चलते हैं अपने क्लास की तरफ, जहां पर आज हम आपको जो पढ़ाने वाले हैं उस पे आ जाते हैं। तो आपको मैं बता दें कि इसमें हम सबसे पहले जो हम करने वाले हैं, ये आपको ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे, उनकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में। तो आपका समय ना व्यक्त गवाते हुए चलिए ले चलता हूँ आपको। ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है, और इसके बारे में आप लोग इसके उत्तर को कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी, जिसे कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये शॉर्ट फॉर्म है पीसीबी, टी20 वर्ल्ड कप के लिए किसे टीम का बॉलिंग कोच नियुक्त किया है? आपके सामने चार ऑप्शन हैं, जेपी ड्यूमिनी, वार्नर फिलेंडर, सेन वॉर्न, मुथैया मुरलीधरन। आपको कमेंट बॉक्स में इसकी वो दें, बाकी डिटेल्स में आज का आंसर हम आपको बताने जा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को लिखते जाएं, अपना टेस्ट कर लें कि क्या आप सही थे, उसके बाद आपका आंसर मिलने जा रहा है। चलिए अब इसका आंसर आपको बताते हैं। इसका आंसर है डिटेल में देखिए आपके सामने। इसका आंसर पहले का ऑप्शन बी है, वर्नोन फिनलैंडर। ये जो हैं ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साउथ अफ्रीका के पूर्व पेसर जो हैं, ये वार्नर फिलेंडर जो हैं, उनको आगामी T20 जो विश्व कप है उसके लिए गेंदबाजी का कोच नियुक्त किया है। ICC T20 विश्व कप का आयोजन 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक संयुक्त अरब अमीरात UAE में और ओमान में होने जा रहा है। साउथ अफ्रीका के फिनलैंड के पास 64 टेस्ट 30 वनडे और 7 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने का अनुभव है। फिलेंडर ने टेस्ट में 224 वनडे में 41 और T20 में 4 विकेट लिए हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो स्टूडेंट देख रहे हैं, सबसे पहले आपको एक ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है,
एक क्वेश्चन में बहुत सारे आंसर निकल के आ रहे हैं, मतलब एक इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आएंगे। अगर फिनलैंड के बारे में कुछ पूछा जाए, वार्नर फिनलैंड के बारे में, तो आपका हमने पूरी डिटेल यहाँ पर दे दी है। सिर्फ ये नहीं बताया है कि वार्नर फिनलैंड को कोच सिर्फ नियुक्त किया गया, उसके बारे में उनकी डिटेल पूरी आ गई है। तो इसलिए आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो वार्नर फिनलैंड के वहाँ पे नोट्स के अलग से आप लिखते जाइए वार्नर फिनलैंड के बारे में, किनका टेस्ट इतिहास कर रहा है, क्या क्या चीज़ें की हुई, तो आपके कई क्वेश्चंस तैयार होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और एक चीज़ और आपसे चाहेंगे, अगर आपको इसमें कुछ कमी लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम सुधार करने का प्रयास करेंगे और आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। और हाँ, एक बार फिर से थोड़ा सा यहाँ रोकेंगे आपको, अगले सवाल क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आप सभी से चाहेंगे थोड़ा सा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए आप, जितना ज्यादा लोगों से करें। करंट अफेयर्स, अगर आप इस वीडियो की व्यूवरशिप आज अगर 1 लाख हो जाती है व्यूवरशिप, हम गारंटीड कहते हैं कि हम आपको डेली क्लासेज अच्छे से अच्छी चीजें करंट अफेयर्स की प्रोवाइड कराएंगे। और ये हर एग्जाम के लिए हो, पीसीए और एग्जाम के लिए हो, तो अपने दोस्तों को जितने लोगों को शेयर कर दीजिए। आज हम 1 लाख व्यू चाहेंगे। बहुत सारे लोग कहेंगे हम व्यूवरशिप पे कर रहे हैं क्योंकि पैसे आएंगे तभी पैसे के लिए काम कर रहे हैं। आपसे बता दूं, पैसे के बिना कहीं कुछ नहीं होता है। हमारे को रन करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। हमने आपसे कभी 1 रुपया फीस नहीं मांगा है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं तो वो उनके लिए वो सही कहते हैं, लेकिन वो गलत तरीके से कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, कम से कम 10-10 फ्रेंड को अपने कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 14 सितंबर, 10 जनवरी, 17 मार्च, 12 मई। जल्दी जल्दी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए कि कौन सा ये सवाल सही है। आगे हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आपका समन्वय बढ़ रहा, ये आपका आंसर रहा। आंसर है, देश भर में 14 सितंबर हिंदी दिवस जो मनाया जाता है, के रूप में मनाया जाता है, यह वह दिन है हिंदी भाषा की महत्व जो महत्वता है और उसके नितान्त आवश्यकता को याद दिलाता है। 1949 में 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस राजभाषा का दर्जा मिला था। ध्यान रखिएगा, इसमें सवाल यह है तो 14 सितंबर का 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। दूसरा इसमें एक और बन गया कि 1949 से 14 सितंबर के मनाया जा रहा है इसका, जिसके बाद हर साल हिंदी दिवस के तौर मनाया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में लगभग 54 करोड़ लोग हिंदी भाषा बोलते हैं और पढ़ते हैं। भारत के अतिरिक्त कई देश हैं जहां हिंदी भाषा समझी जाती है। अब इसके अलावा देखिए 3 आंसर हो गए इसमें। पहली बार 14 सितंबर 1949 से मनाया जा रहा है हिंदी दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तीसरा, 54 करोड़ लोग विश्व के जो हैं वो हिंदी बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते रहे और वीडियो को शेयर करते रहें। हाल ही में किस देश ने ऐलान किया है कि अफगानिस्तान को 6.4 करोड़ डॉलर की मानवीय सहायता भेजेगा? नेपाल, जापान, अमेरिका, बांग्लादेश। ध्यान रखिए, इस समय तालिबान अफगानिस्तान का मुद्दा बहुत जोरों पर है और ये आने वाले क्वेश्चन आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका आंसर, लिखिए आप क्या करते हैं। बाकी हम आंसर की तरफ बढ़ेंगे। एक बार कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि आज हम एक क्लास स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर्स की, तो हम ये चाहते हैं क्लास टूटे ना। और 1 लाख व्यूवरशिप आज अगर आप सभी से अनुरोध करेंगे, 10 लाख स्टूडेंट, 11 लाख स्टूडेंट हैं, अगर आप सभी करेंगे तो 1 लाख नहीं 10 लाख भी व्यूवरशिप आ जाएगी। तो हम चाहते हैं आप सभी से कि आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे बढ़ते हैं, इसका जवाब है जी हाँ साहब, जैसा आप ही तो अमेरिका है। अमेरिका ने अफगानिस्तान के लोगों की आर्थिक मदद करने की घोषणा की है और अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो अफगानिस्तान को 6.4 करोड़ डॉलर यानी कि 470 करोड़ रुपए की मानवीय सहायता भेजेगा। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान अब भुखमरी की ओर बढ़ रहा है। यानी कि इसमें अमेरिका, आपको बता दूं आपके नॉलेज के लिए, कि अमेरिका 30 अगस्त पिछले महीने की 30 अगस्त को जो उसकी सेना थी अफगानिस्तान में, नाटो की सेना, आपको अमेरिका की सेना थी, नाटो कई देशों का संगठन है, वहाँ के सेनाएं थी, वो अमेरिका नाटो देशों के अमेरिका की सेना उनके सेना के साथ वो निकल चुका है। और इस समय वहाँ की सत्ता जो है आप अफगानिस्तान में, और तालिबान और सबके बीच में आपस में लड़ाई चल रही है और कहीं ना कहीं तालिबान एक तरह से तानाशाही करके कब्जा करने का पूरी तरह से देश पर प्रयास कर रहा है अफगानिस्तान पर। ये है अभी की कंप्लीट डिटेल। आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। फिर से एक बार अनुरोध करेंगे, हर बार 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 कह रहे हैं कि आप वीडियो को शेयर करते रहिए, क्योंकि ये जो आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले समय में इंपॉर्टेंट होंगे। और अगर आज 1 लाख व्यूवरशिप आती है तो हम आप सभी से बता रहे हैं कि आप सभी के लिए करंट अफेयर्स आपको मिलने जा रहा है पूरा का पूरा डेली बेस पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश आगे बनने वाली, माफ कीजिएगा, निम्न से किस देश में आगे बनने वाली है?
सभी नए घरों की ईवी चार्जिंग की सुविधा देने वाले घरों के निर्माण की घोषणा की है। अब ईवी चार्जिंग के बारे में आपको जानना होगा कि ईवी चार्जिंग क्या है, उसके बारे में बताएंगे आपको। तो चार देश दिए, इंग्लैंड, भारत, नेपाल, चीन। चलिए आप किसी को बताइए कौन सा जवाब इसमें सही हो सकता है, कमेंट बॉक्स में लिखे कौन सा जवाब सही है इसमें। बाकी आगे बढ़ते हैं, आपको बताएंगे ईवी चार्जिंग के बारे में भी क्या है, क्या चीज़ें हैं। ये आपका आंसर है, इंग्लैंड में होने जा रहा है। इंग्लैंड ने आगे बनने वाली सभी नए घरों में ईवी चार्जिंग की सुविधा देने वाले घरों को निर्माण की घोषणा की है। इंग्लैंड सरकार की तरफ से इस तरह की नई व्यवस्था के तहत सभी घरों और ऑफिसों में के बाहर स्मार्ट चार्जिंग डिवाइस स्थापित कर रही है, जिसमें आप पीक घंटों के दौरान जो है कोई भी वाहन मालिक अपने वाहन के स्वामित्व रूप से चार्ज कर सकते हैं। सभी ऑफिस ब्लॉक के पास जो 5 पार्किंग स्थानों के एक चार्ज पॉइंट स्थापित करना होगा। अधिक चार्जिंग पॉइंट रहने से यह विवाद खत्म हो जाएगा और पहले कौन चार्ज करे इसको लेके बता दें कि विश्व में इंग्लैंड पहला और एकमात्र देश है जो चार्जिंग स्टेशन के लिए इस तरह की पहल कर रहे हैं। यानी कि जब बता दें आपको, इंडिया में भी चल रहा है कि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल अब यहाँ पर भी बढ़ावा दिया जाएगा पेट्रोल डीजल के अलावा। तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होंगे, वो गाड़ियाँ जो होंगी, वो चार्ज होंगे इलेक्ट्रिसिटी से। तो ये वही है और ये हर घर में, हर ऑफिस में मैंडेटरी कर दिया गया है इंग्लैंड में। तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आपको जो मैंने जो बताया ईवी चार्जिंग क्या होता, हो सकता है एक सवाल यह आया, तो ईवी चार्जिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने वाली, जो उसको ईवी चार्जिंग बोलते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, फिर से एक बार नोट करेंगे, वीडियो को शेयर जरूर करेगा, आगे बढ़ते हैं सवाल। पांचवा सवाल है, निम्न में से किसे इस गांधी समिति एवं दर्शन समिति का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? पीयूष गोयल, विजय गोयल, मनोज तिवारी, प्रकाश जावड़ेकर। अब आप सभी को एक बार फिर से वही चाहेंगे, वीडियो को शेयर करिए और इसका जवाब लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में अपने जवाब लिखिए। आगे हम इसके सवाल, इसके जवाब की तरफ बढ़ते हैं। असल जवाब क्या इसका, इसका जवाब है विजय गोयल हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल को गांधी स्मृति व दर्शन समिति का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बताया जाता है कि सोसाइटी की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। विजय गोयल सोसाइटी की कार्यकारी समिति की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। गोयल के साथ समिति के सदस्य के तौर पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री जो हैं LG, दिल्ली के LG होंगे, दिल्ली के मेयर होंगे, MCT आयुक्त हैं, केंद्रीय संयुक्त सचिव हैं, शहरी विभाग सचिव, समाज के पदेन सदस्य भी हैं। अब यहाँ समझिएगा कि गांधी स्मृति और दर्शन समिति का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है विजय गोयल के। अब एक सवाल तो ये हो गया, दूसरा सवाल है इसके सदस्य के तौर पर कौन कौन लोग हैं। तो उसके देखिए अध्यक्षता के रूप में गोयल जी हैं, उसके अलावा केंद्रीय संस्कृति मंत्री, दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मतलब LG जो हैं, दिल्ली के मेयर जो हैं, MCT आयुक्त जो होगा, केंद्रीय संस्कृति सचिव, शहरी विकास सचिव, समाज के पदेन, ये सारे लोग उसके सदस्य होंगे। यानी कि एक सवाल ये है कि उसके अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, और उसके बाद ये एक दूसरा सवाल ये है कि इन लोग उसके साथ समिति के अध्यक्ष होंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता 80 वर्ष में निधन हो गया, एक कौन है? इसका सवाल का जवाब अगर जो लोग राजनीति में को देखते हैं और चीजें करते हैं रेली बेसिस, मुझे लगता है इसका आंसर बहुत आसान है। कपिल सिब्बल, अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद, अस्कर फर्नांडिस। इसका जवाब बड़ा आसान है, लेकिन फिर भी आपको चलिए बताते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आप इस जवाब को, आगे बताते हैं आपको। ये आपके सामने अस्कर फर्नांडिस जो हैं, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अस्कर फर्नांडिस का 13 सितंबर 2021 को निधन हो गया और ये 2 दिन पहले हुआ है। वे 80 साल के थे। कर्नाटक के मंगलुरु के अस्कर फर्नांडिस ने अंतिम सांस ली है। ध्यान रखिएगा 80 साल के में इनकी मृत्यु हुई थी, कर्नाटक के मंगलुरु में इनकी मृत्यु हुई है। अस्कर फर्नांडिस का जन्म इनका देखिए 27 मार्च 1941 को कर्नाटक के उडुपी में हुआ माफ कीजिएगा। तो ये आपके 3 ऑलरेडी सवाल के बन चुके हैं जिसके जवाब के सामने हैं। 1980 में कर्नाटक उडुपी लोकसभा सीट से सांसद भी चुने गए थे। जो लोग कर्नाटक के उनके लोकल उसमें एग्जाम में इस तरह के आंसर आ सकते हैं, कर्नाटक एग्जाम दे रहे हैं आप। उसके बाद 1996 तक यहाँ से लगातार जीतते आए हैं। 1998 में कांग्रेस राज्यसभा भेज दिया गया, वे बतौर राज्यसभा सांसद ही सदस्य के बने हुए थे। तो अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप के लिए किसे बैटिंग कोच नियुक्त किया है? अभी मैंने आप बॉलिंग कोच दिखाया, बैटिंग कोच किसे किया है? मैथ्यू हेडन, रिके पोंटिंग, ब्रायन लारा, शेन वॉर्न। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, एक बार फिर से कहेंगे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और
इस जितना हो सके इस वीडियो को आगे पहुंचा दीजिए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए। आगे बढ़ते हैं इसका आंसर की तरफ। इसका आंसर है मैथ्यू हेडन, ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज मैथ्यू हेडन को आगामी T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के हेड कोच की जिम्मेदारी दी गई थी। और T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 17 अक्टूबर में UAE और ओमान के मेजबान में होना है। खास बात यह है कि हेडन 2 बार वर्ल्ड कप जीतने वाले ऑस्ट्रेलिया टीम के सदस्य रहे हैं। हेडन की गिनती ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाजों में होती है। उन्होंने अपने करियर में 103 टेस्ट, 161 वनडे, 9 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। अब एक बार थोड़ा सा आपको रोकूंगा अगले सवाल की तरफ बढ़ने के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। आपको बता दूं कि ये जो मैंने आपको बताया है, इसलिए मैंने कहा एक नोट्स तैयार करिए आप अपना, एक अलग से करंट अफेयर्स की। अगर आपका बुक नहीं हो तो खरीद के लेके आएँ, 10-20 रुपए की जो भी मिल जाए आपसे, 25-30 की। उस पर आप एक करंट अफेयर्स की लिखिए, क्वेश्चंस को लिखें, आंसर लिखें, उसके साथ रिमार्क में एक सवाल के साथ उसके आंसर आप स्टार बनाते हुए कि मैथ्यू हेडन के बारे में हम लिखा रहे हैं तो मैथ्यू हेडन लिख दीजिए, जवाब है इनके बारे में लिख दीजिए कि ये इनका करियर में कितने मैच खेले हैं, कितने टेस्ट खेले हैं, कितने वनडे खेले हैं, कितने अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं, वो सारे लिख दीजिए। इससे एक क्वेश्चन से आप कई आंसर आपको मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक बार फिर से अनुरोध करेंगे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर 1 लाख व्यूवरशिप आई हम श्योर करते हैं, क्योंकि हम फ्री में अब तक का इसको एजुकेशन दिए हैं, 1 रुपये नहीं लिया है, गारंटी इस बात की है, अपनी साइड से 1 रुपया हमने कभी नहीं लिया है। अगले सवाल की तरफ, भारत और किस देश ने 13 सितंबर 2021 को संयुक्त रूप से एजेंडा 2030 पार्टनरशिप का क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग CAFMD लॉन्च किया है? नेपाल, चीन, अमेरिका, रूस। अब इसका जवाब हम आपको दे देते हैं। इसका जवाब है अमेरिका है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 13 सितंबर 2021 को संयुक्त रूप से एजेंडा 2030 पार्टनरशिप का क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन डायलॉग, ध्यान रखिए इसका फुल फॉर्म लिखिए, CAFMD का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो ये है क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग, ये लॉन्च किया गया है 13 सितंबर 2021 भारत और अमेरिका के बीच में। ये जलवायु के लिए अमेरिका के विशेष राष्ट्रपति दूत जॉन कैरी 12 से 14 सितंबर को भारत यात्रा पर हैं। इससे पहले उन्होंने जलवायु संकट से निपटने के लिए अपने भारत की यात्रा एक हिस्से और तौर पर केंद्रीय मंत्री ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से मुलाकात की थी। तो ये आपकी आज की क्लास है, मैंने 8 क्वेश्चन दिए हैं, 8 क्वेश्चन में कम से कम समझिए, आपको कम से कम 8 क्वेश्चन में 25-30 क्वेश्चन या उससे ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। नोट्स बनाते रहिए डेली बेसिस पे। क्लासेस के लिए आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, क्योंकि वीडियो को लाइक शेयर जब तक नहीं करेंगे आप लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे। लोगों को हम नया एजुकेशन को फ्री एजुकेशन के तौर पे हम इसमें एक तरह से लोग हमारे पास कॉन्टैक्ट करते, बहुत सारे एडवर्टाइजर, हालांकि अनअकैडमी के लिए हम लोग अभी कर रहे हैं। अगर आपको, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी थे जो हमसे बार बार डिमांड कर रहे थे कि आप हमें नोट्स दीजिए, चीज़ों को करिए, तो अगर वो लोग पेड करना चाह रहे हैं तो आप आराम से जाइए, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स लिखी हुई हैं अनअकैडमी की, जो भी वो चीज़ आप कर लीजिए। हालांकि हर चीज़ें हम आपको दे रहे हैं यहाँ पर आपके सामने, आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, UPSC एग्जाम, किसी भी एग्जाम के लिए जो करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं, गारंटेड है आप अगर डेली बेस पे क्लासेस को ज्वाइन करते हैं, अपने फ्रेंड्स को करते हैं, तो किसी भी एग्जाम में आप कहीं ना कहीं सफल होंगे। और हम इस क्लासेस को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, जितना इजी हो सकता है उतना इजी वे में हम आपको इसको पढ़ाएंगे। चलिए एक बार फिर से अनुरोध करेंगे आप सभी वीडियो को लाइक शेयर अपने 10 फ्रेंड में कम से कम कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि मैंने 10 फ्रेंड को अपने शेयर कर दिया है। जी हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।